अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उर्दू कहानी घर में एक बार फिर खुशामदीद। आज की कहानी का नाम है बिल्ली के घर की दावत। ये है हमारी बिल्ली साहिबा और इनका है नया घर जिसमें हो रही है दावत। तो क्या आप जानते हैं कि बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, कैट कहते हैं। और बिल्ली ने लिया था नया घर जिसमें अपने दोस्तों की दावत रखी थी। बस बिल्ली साहिबा ढेर सारे खाने पकाने में मसरूफ हैं और टेबल भी सज चुकी है। बहुत खुश नज़र आ रही हैं और अपने मेहमानों का इंतज़ार कर रही हैं। दरवाजे पर हो रही है दस्तक, खट 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 खट। बिल्ली ने पूछा, कौन है भाई, कौन आया है? दरवाज़े के पीछे से आवाज़ आई, मैं। ये कौन सा जानवर हो सकता है, क्या आपको पता है? अरे वाह, ये तो बकरी साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। लो बहन बकरी, जब तक सारे मेहमान नहीं आ जाते तुम थोड़ी सी घास खा लो। बिल्ली बातें ही कर रही थी बकरी से कि फिर खट 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 दरवाजे पे दस्तक। कौन कौन है? खट 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 खट। पंजे देख के तो लग रहा है कोई बड़ा ख़ास मेहमान है। आवाज़ आई, कैं 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 कैं। बिल्ली ने देखा तो बाहर बत्तख खड़ी थी। भाई वाह, कितनी प्यारी बत्तख है। अलैकुम बत्तख, कैसी हो? बिल्ली ने बत्तख को बहुत इज्जत के साथ मेज़ पे ले जाकर मकड़ी के साथ बिठा दिया। एक बार दस्तक हुई, खट 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 खट। कौन कौन है? बिल्ली ने पूछा और आवाज़ आई, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। ये कौन सा जानवर हो सकता है? और जनाब आ गए मुर्गे साहब। अस्सलाम वालेकुम बिल्ली, कैसी हो? नया घर मुबारक हो। कुकड़ुकू कुकड़ुकू। अरे वाह, बिल्ली के घर तो देखते ही देखते कितने सारे मेहमान जमा हो गए। चले आगे देखते हैं अब इस दावत में कौन आने वाला है। और बैल बजी और खड़ी थी गाय साहिबा। मुँह 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 मुँह, सारे जानवर बहुत खुश। लेकिन ये क्या, ये तो कुछ उदास लग रही हैं, क्या मसला हो सकता है? ओहो, लगता है गाय दरवाजे में से अंदर नहीं आ सकती। छोटी सी बिल्ली के घर के अंदर इतनी बड़ी गाय कैसे आएगी? अब क्या होगा? ओहो, ये तो बड़ा मसला हो गया। इतनी बड़ी गाय छोटी सी बिल्ली के घर के अंदर कैसे आएगी और कैसे दावत खाएगी? क्या उसे वापस जाना पड़ेगा? सभी जानवर उदास गाय को देख के बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। इतने में बकरी आई बिल्ली के पास और उसके कान में मैं करके कुछ कहने लगी। बिल्ली ने खिड़की की तरफ इशारा करके गाय को कहा कि गाय बीबी, यहाँ से आ जाओ, देखो कितनी बड़ी खिड़की है। गाय खिड़की से आ गई और दो टांगे निकाल के करीब हो गई। सब लोगों ने मिलकर मेज़ गाय के करीब कर दी। गाय बहुत खुश थी। अरे वाह, क्या ज़बरदस्त हल निकाला बकरी और बिल्ली दोनों ने मिलकर। गाय के लिए दिल में जगह हो तो दावत में जगह बन ही जाती है। सारे जानवरों ने मिलकर मज़े से बिल्ली के घर की दावत खाई और उसको ढेर सारी दुआएं दी और नए घर की मुबारकबाद भी पेश करी। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगले दफ़ा के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको याद है आज तक हमने उर्दू कहानी घर में कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं? पीछे लगी तस्वीरों को देखकर जरा याद तो कीजिए। अगली बार तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।